अस्सलामुअलैकुम। पीपीएससी के 2022 के पेपर्स को हम देख रहे हैं। हमारा नेक्स्ट पेपर है असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोसेसिंग एग्रीकल्चर, ये सी डिपार्टमेंट में, ये पोस्ट थी BA 17 की। इसमें तकरीबन 15 क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन है म्यूरल। म्यूरल का क्या मतलब है? म्यूरल मतलब है पीस ऑफ आर्टवर्क। बेसिकली म्यूरल कहते हैं ये जो दीवार पे, हम मुख्तलिफ जगहों पर, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में देखा होगा, दीवार पे बहुत सारी पेंटिंग्स होती हैं। स्पेशली जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं, ये वो पेंटिंग्स बनाते हैं। उस दीवार की पेंटिंग को, वॉल पेंटिंग को बेसिकली म्यूरल कहते हैं। लेकिन चूंकि ये किसी हद तक ठीक है कि पीस ऑफ आर्ट वर्क, तो हम ये क्वेश्चन भी, ये इसका ऑप्शन ये सिलेक्ट हम कर सकते हैं। तो इसका क्या मीनिंग हुआ? म्यूरल मीनिंग पीस ऑफ आर्ट वर्क। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ इमेक्युलेट। इमेक्युलेट कहते हैं कि बिल्कुल कोई चीज साफ सुथरी हो, कोई बेदाग हो, उसके अंदर कोई नुक्स ना हो, पाक हो, उसको इमेक्युलेट कहते हैं। जिसको कहते हैं, कह सकते हैं इमेक्युलेट वाइट ड्रेस, यानी कि बिल्कुल क्लियर साफ, जो फर्स्ट टाइम अगर पहना हुआ हो वाइट ड्रेस, तो उस पर कोई दाग धब्बा ना हो, तो उसको इमेक्युलेट कहते हैं। इसका सही सिनोनिम प्राइम बन सकता है। प्राइम का मतलब होता है कोई चीज जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में हो, तो उसको हम प्राइम कहते हैं। वो भी यकीनन बेदाग होगी, कोई भी चीज ओरिजिनल है, उसमें किसी किस्म का नुक्स नहीं होता, तो इसका सही सिनोनिम प्राइम बन सकता है इमेकुलेट का। नेक्स्ट है जी प्लीजेंट का एंटोनिम। प्लीजेंट कहते हैं बहुत खुशगवार, ठीक है, वो खुशगवार, जिस तरह की ये सामने पिक्चर बनी हुई है, मूड हो सकता है ही इज इन वेरी प्लीजेंट मूड कहा जा सकता है, या आई स्पेंड अ वेरी प्लीजेंट इवनिंग विद माई फ्रेंड्स कह सकते हैं, ठीक है। अब अमाएबल, फ्रेंडली, ये इसके सिनोनिम में आ सकते हैं, दोस्ताना, ठीक है, जिससे दोस्तों के साथ बड़े खुशगवार ताल्लुकात होते हैं, बड़े मतलब खुशी से मिलता है उनको, तो अमाएबल, फ्रेंडली, ये इसके सिनोनिम में। जबकि एजिटेटेड इसका एंटोनिम है। एजिटेटेड कहते हैं बहुत बेचैन, थोड़ा गुस्से में, उसको एजिटेटेड कहते हैं। नेक्स्ट है जी टर्मोइल। टर्मोइल का एंटोनिम क्या है? टर्मोइल बेसिकली कहते हैं कोई अफर तफरी कहीं मची हो, ठीक है, कहीं हंगामा हो, ठीक है, कहीं केओस क्रिएट हो गया, फर्मेंट क्रिएट हो, ये सिनोनिम है इसके, ठीक है, अफर तफरी का कहीं आलम है बाजुकात। अच्छा, जिस तरह हमने पढ़ा पीछे एजिटेटेड, एजिटेशन इसका सिनोनिम, एजिटेशन भी इसका सिनोनिम बनता है। कहीं अगर कहीं पार्टी शार्टी हो रही है, कहीं बहुत ज्यादा लोग एक्साइटेड हैं, वो भी उसके लिए वहां भी ये वर्ड यूज हो जाता है, टर्मोइल है, ठीक है, क्योंकि म्यूजिक, लाउड म्यूजिक चलाए वाले और काफी हंगामा आई हुई है, तो वो भी टर्मोइल के मीनिंग में आता है। इसका एंटोनिम है सेरेनिटी, मतलब बिल्कुल सुकून, खामोशी, इत्मीनान, ठीक है, पीस, ट्रैंक्वेलिटी, ठीक है, ट्रैंक्वलिटी इसका सिनोनिम है, तो सेरेनिटी इसके एंटोनिम में आएगा, जिस तरह एक पीसफुल प्लेस है, सेरीन है, कोई शोर शराबा नहीं है। नेक्स्ट है टू एंड इन स्मोक। इसका मतलब है कोई काम किया और जो उसका एंड है वो ला हासिल हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तबाह हो गया, तो इसका मतलब क्या है जी? टू रूइन वन सेल्फ। एक इंसान जो तबाह हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, उसने अपने आप को, कोई रिस्क लिया और वो फेल हो गया, तो उसने अपने आप को तबाह कर लिया, टू रुइन वन सेल्फ। जिस तरह बाज़ोकात कोई इंसान नशे पे लग जाता है, तो उसकी लाइफ क्या हो गई? टू एंड इन स्मोक, खत्म हो गई, बेफायदा जिंदगी गुजर गई उसकी, खत्म हो गई, डेथ हो गई उसकी। नेक्स्ट है टू कीप अ स्ट्रेट फेस। इसका मतलब है सीरियस रहना, ठीक है, एक तो कुछ लोग वैसे ही स्ट्रेट फेस होते हैं, और आप लोग भी जब पीपीएससी के इंटरव्यू के लिए जाएंगे या कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो ज्यादातर पैनल के जो लोग होते हैं, जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, वो कीप अ स्ट्रेट फेस रखता है, ठीक है, सीरियस रहता है, ताकि ज्यादा बच्चा फ्री ना हो, थोड़ा सा हो, रोब दबदबे में रहे, एटसेट्रा। तो टू कीप अ स्ट्रेट फेस मीन सीरियस रहना। नेक्स्ट है अ पर्सन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन इज कॉल्ड। एक इंसान जो वुमेन के लिए काम करता है, तो उसको क्या कहते हैं? फेमिनिस्ट। वैसे आजकल हमारी सोसाइटी में इसको बड़ा नेगेटिव लिया जाता है, लेकिन फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है कि वेमेन की वेलफेयर के लिए अगर कोई भी शख्स काम करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? फेमिनिस्ट कहते हैं। अगर आप भी अगर अपनी
सिस्टर्स के लिए अपनी मदर के हक में बात करते हो, तो आप भी एक फेमिनिस्ट हो। खैर, मीजोगाइनिस्ट, इसका मीजो जो है ना नेगेटिव कॉनोटेशन है, इसका मतलब होता है हेट करना। गाइनी मतलब औरत, मीजोगाइनिस्ट मतलब वन हु हेट्स वुमेन। मीजोगैमी, गैमिस्ट कहते हैं, गैमी कहते हैं शादी को। मीजोगैमिस्ट वन हु हेट्स मैरिज, ठीक है, गैमी कहते हैं मैरिज को, तो मीजोगैमिस्ट मतलब वन हु हेट्स मैरिज। ओके जी, आज का हमारा बस लेक्चर यही था। अल्लाह हाफिज।